तो आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलेशन का पार्ट, मतलब कि एक्सेल के फॉर्मूले का पार्ट, राइट। तो इस क्लासेस में हम पूरा ए टू जेड फॉर्मूला जो है तकरीबन 200, 150 से 200 फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। जूम ऐप 45 मिनट तक चलेगा, उसके बाद फिर आपको नई आईडी दी जाएगी। तो ये दो बैच का एक बैच है, तो फिर दोबारा आपको 45 मिनट एक बैच, एक क्लास और की आईडी और मिलेगी। चलिए, तो पहला हम बात कर रहे हैं इफ फॉर्मूला से, राइट। इफ फॉर्मूला, उससे पहले हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेशंस की, जैसे कि इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और यहां पे आपके पास आता है नॉट इक्वल, राइट। ये हमारे ऑपरेटर है लॉजिकल, मतलब कि यहां पे अगर हम कुछ नंबर देते हैं, कुछ भी नंबर यहाँ अगर हम टाइप कर दें, तो वो नंबर जो है यहाँ अगर आप सिलेक्ट करके इसको बोलते हो कि दिस इज ग्रेटर देन, डायरेक्ट डाल सकते हो कि ग्रेटर देन 50, रिजल्ट आपका ट्रू फॉल्स आएगा, ठीक है। लेकिन जनरली इसके लिए लोग क्या करते हैं, इफ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन इफ का फॉर्मूला का काम ये नहीं कि चेक करना कि कौन सा कंडीशन मैच कर रहा है। इफ का काम ये है कि अगर ये ट्रू हुआ तो यहाँ पे रिजल्ट ओके देगा, अगर नहीं तो पेंडिंग देगा, मतलब कि कोई ऐसा रिजल्ट जो आप चाहते हो वो रिजल्ट आपको यहाँ देगा, ठीक है। तो B1 यहाँ पे ओके और पेंडिंग इस तरह से यहाँ शो करता है। लेकिन हम लोग एक कॉलन बचाने के लिए हम लोग यहाँ इफ का फॉर्मूला लगाते हैं कि इफ ग्रेटर देन 20 तो यहां पे ओके, अदरवाइज पेंडिंग। इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इफ के बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें कि इफ कोई फॉर्मूला नोट, इफ कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो इक्वल से लगाते हैं, और यहां पे जैसे हमने आई लिखा तो फॉर्मूला लिस्ट आ जाता है। एरो की से ऊपर नीचे करके अपने फॉर्मूला को सिलेक्ट कीजिए, टैब यूज कीजिए, टैब इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए लॉजिकल टेस्ट वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स, इस तरह का सिंटैक्स आ जाएगा। सिंटैक्स में दो चीजें हैं, जो सिंटैक्स सिर्फ आपका ए आ रहा है यहाँ पे, जो सिंटैक्स आपका यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट जो दिख रहा है आपको यहाँ पे कि विदाउट ब्रैकेट आ रहा है, यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में, तो जो विदाउट ब्रैकेट है इसका मतलब है कि वो ऑप्शनल है, मतलब कि बिना लॉजिकल टेस्ट डाले हम बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। और जैसे इस पे हम लॉजिकल टेस्ट डाल देंगे तो हम बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स जो है हमारा वो बड़ी ब्रैकेट में है, मतलब कि ऑप्शनल है, इसको डालने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, अब इसमें हम बात और करते हैं कि जो हम एक्सेल में जो ट्रू फॉल्स लिखते हैं, जैसे ट्रू लिख दिया और यहाँ पे हमने फॉल्स लिख दिया, तो ये दोनों को अगर हम आपस में सम करते हैं तो ये 1 आएगा, मतलब कि क्या होता है कि ट्रू इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको साबित करें तो देखिए यहाँ पे दो ट्रू मतलब ट्रू आया, एक ट्रू फॉल्स, एक फॉल्स कर दिया तो हमारा 1 आया, इसका मतलब है फॉल्स 0 है एंड ट्रू 1 है, ये भी हमें आगे काम आएगा इसलिए आपको बता रहे हैं। अब चलिए हम इफ के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ नेम दे देते हैं, कुछ भी नेम। बिजू जी प्लीज वेबकैम ऑफ कर लें, हेलो बिजू जी, सुन रहे हैं मुझे आप? ओके तो सुन ही रहे हैं। स्टॉप वीडियो, किसी की वीडियो स्टॉप क्यों नहीं हो रहा?
कुछ नहीं हो रहा। एक सेकंड दीजिएगा, जी अपना वेबकैम ऑफ कर लीजिए, कंप्यूटर ऑडियो सिलेक्ट कीजिए, कंप्यूटर ऑडियो सेलेक्ट कीजिए, यूज कंप्यूटर ऑडियो। दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मनीष शंकर जी, मैंने आपको अलाउ कर दिया है रिकॉर्डिंग का, अब आप रिकॉर्ड कर सकते हैं सेशन। अल्ट प्लस आर प्रेस करेंगे तो सोशल रिकॉर्ड होगा सेशन। हेलो, मेरी आवाज आ रही है संजीत जी? हाँ, आ रही है आवाज। ओके। ओके, तो बिजू जी मैंने रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया है, आप अपना सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं अल्ट प्लस आर प्रेस करके, या मोड पे जाइए वहां से रिकॉर्ड कर लीजिए। चलिए, तो जूम ऐप डालने का बेनिफिट यही है कि सेशन को आप खुद भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप प्लीज सर टाइम पे ज्वाइन कीजिए, 9 बजे की क्लास है और 9:40 पे आप ज्वाइन कर रहे हैं सर, इतना इंतजार मुश्किल है सर। ठीक है सर, अगली जगह ध्यान रखूंगा। 10-15 मिनट की इंतजार कर लेगा, आधा घंटा तो गर्लफ्रेंड भी इंतजार नहीं करेगी। तो हमने कुछ नाम लिए और कुछ नाम को हमने यहाँ पे इसको रिपीट कर दिया, कुछ ज्यादा ही रिपीट हो गया, मैं थोड़ा सा कम। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके अपने होम मेनू बार के अंदर शॉर्टिंग है, मैं यहाँ पे शॉर्ट A to Z कर देता हूँ। इससे फायदा क्या हुआ कि जितने भी नाम थे इकट्ठा आ गए। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस पे सीरियल नंबर देना है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से सीरियल नंबर यहाँ पे देना है। फिर वापस मोहन आ गया तो वापस 1 से स्टार्ट हो जाना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इफ का, कि इफ अगर ए बराबर है अपने ऊपर वाले सेल से तो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू में +1 कर दे, अदरवाइज 1 से स्टार्ट करे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया कि H2 = H1, तो G1 में +1 कर दे, अदरवाइज फिर 1 से स्टार्ट कर दे, और फिर इसको नीचे की तरफ हमने ड्रैग कर दिया। सर मैंने अभी लैपटॉप से ज्वाइन किया है, आपको रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट भेजी है, एक्सेप्ट कर लीजिए। एक मिनट, राजू जी बोल रहे हैं? रजनीकांत सर, अच्छा अच्छा रजनीकांत, ठीक है, मैंने अलाउ कर दिया। तो यहां पे आपने देखा कि नंबर्स, ये फॉर्मूला समझ में आ गया बिजू जी आपको? सिंपल है, हमने बोला कि दोनों वैल्यू आपस, सामने वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू अगर बराबर है तो जहां फॉर्मूला लग रहा है उसके ऊपर वाली वैल्यू में +1 कर दे, अदरवाइज 1 से स्टार्ट करें। यहाँ दोनों बराबर है इसलिए 1 + 1 आ गया 2, ऐसे 3, 4, 5 गया। अब यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मोहन और जो है बराबर नहीं है, तो क्या हुआ, वापस इसने 1 से स्टार्ट कर दिया।
सीरियल नंबर की बात हो रही है तो मैं एक और यहाँ पे सीरियल नंबर लगाना चाहूंगा कि सीरियल नंबर, और यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ नेम। जैसे मैंने यहाँ पे वन लिखा और कोई सीरियल नंबर, जब मान लीजिए पूजा है, हमने पूजा लिख दी। अब मैं यहाँ पे जब मैं कोई मान लीजिए कि नया ओम लिखा, कि नया नाम लिखा, तो ऑटोमेटिकली टू आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कि इफ सामने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, हमने ग्रेटर देन जीरो क्यों किया, क्योंकि ब्लैंक सेल को कंप्यूटर जीरो समझता है, ब्लैंक सेल को एक्सेल जीरो समझता है, ब्लैंक सेल इक्वल टू जीरो होता है। अगर उस सेल पे कोई वैल्यू है, इट मींस ग्रेटर देन जीरो, चाहे टेक्स्ट या नंबर। ऐसा हुआ तो अपने ऊपर वाली वैल्यू में वन जोड़ दे, अदरवाइज यहां पे ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब क्या हुआ, हमने इन्वर्टर कोमा को ओपन किया एंड इन्वर्टर कोमा को क्लोज कर दिया, बीच में कोई वैल्यू नहीं डाला, तो ऑब्वियसली ब्लैंक आएगा। और फिर आप जहां तक नाम लिखेंगे तहां तक इसको ड्रैग करके छोड़ दीजिए। अब मैं यहाँ पे कोई नाम लिखूंगा, जैसे मैं लिखता हूँ पुनीत, तो ऑटोमेटिकली आ गया। मैं लिखता हूँ ओम, तो यहाँ पे हमारा ओम आ गया। यहां पे लिखता हूं नीरज आगे। लेकिन जब यहां हम कुछ ब्लैंक सेल देते हैं, कोई ब्लैंक सेल देंगे और फिर एक नाम लिखेंगे, तो यहां एरर आएगा। अब इसमें एरर क्यों आया, इस एक थोड़ा सा विचारणीय है। तो एरर आने का कारण ये है कि हमने ऊपर क्या दिया हुआ है, ब्लैंक सेल दिया हुआ है। हालांकि कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि ये टेक्स्ट कैटेगरी में नॉर्मली जो ब्लैंक होता है और नंबर कैटेगरी में होता है, इसलिए जीरो होता है। तो यहां पे हमारा एरर इसीलिए आया, समझ गए। तो एरर आने का जो ये है प्रॉब्लम है, यही है। एक मिनट दीजिएगा, ये बिलिंग मांग रहा है, एक मिनट में आप वापस आता हूं।
ये स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे एरर आने का चांस क्या था? एरर आने का चांस था कि ऊपर सेल जो हम इनवर्टर कॉमा में लिखा वो ब्लैंक था इसलिए। तो इससे बचने का क्या तरीका है? हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगाएंगे इफ का, और हम बोलते हैं कि अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो मैंने बोला मैक्स मैक्स अपने ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन कर दो, सॉरी मैक्स में हमने एल वन से एल वन ले लिया, इसमें प्लस वन कर दिया, नहीं तो ब्लैंक। ठीक है, तो पहले वाले एल वन को मैंने यहां पे फोर से फ्रीज कर दिया और फिर हमने इसको नीचे ड्रैग किया। तो मैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो सेल ब्लैंक है या एरर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता इससे सेल नंबर दे। तो इफ में हमने इस तरह से इसका इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं इफ में भी अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगर मेरे पास एग्जांपल में बात करूं कि सीरियल नंबर है और मैं सीरियल नंबर यहां लिखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं सीरियल नंबर लिखना कि इसमें ऊपर मैंने अगर एस वन में मान लीजिए मैंने डाल दिया 10, तो सीरियल नंबर मेरा 10 तक चले, इससे आगे ना चले। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक मैनुअल वन लिखेंगे और यहां देंगे कि इफ अपनी ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन करने पे अगर वो ग्रेटर देन होता है 10 तो यहाँ पे ब्लैंक कर दे, अदरवाइज ऊपर वाले वैल्यू में प्लस वन करे। अब नीचे ड्रैग कर रहे हैं तो एरर आने का एस वन चेंज हो जाएगा, इसको हम फ्रीज कर देते हैं ताकि एस वन एस टू ना बने। नीचे ड्रैग करने से पहले आपको एरर आने के चांसेस है सेम, क्योंकि वो ब्लैंक में प्लस वन नहीं कर पाएगा इसलिए एरर दे रहा है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ एरर शो ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला इफ एरर का, इफ एरर, और फिर हमने इसमें हम दे दिया इन्वर्टेड कॉमा में ब्रैकेट। और इफ एरर क्या होता है कि इफ एरर के अंदर में दो फॉर्मूले आप डाल सकते हैं या दो वैल्यू। अगर पहली फॉर्मूला एरर दिया तो दूसरा जो वैल्यू या फॉर्मूला है उसको शो करेगा, अगर पहले ने रिजल्ट दिया तो पहला शो करेगा। जैसे यहाँ पे पहले फॉर्मूले ने रिजल्ट दिया तो दो वाला फॉर्मूला शो कर रहा है, लेकिन जब नीचे हमने ड्रैग किया यहाँ अगर पहला फॉर्मूला एरर दे रहा है तो इसने दूसरे फॉर्मूले को शो कर दिया। क्लियर है? लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे अगर 5 to 10 ऐसे मतलब फॉर्म टू करना हुआ तो जो मैनुअल वन लिखा है उसके जगह पे हम स्टार्टिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, तो 5 to 10, 5 to 20 इस तरह से बन जाएगा। जिस तरह से सीरियल नंबर लगाते हैं क्या बोल मैन्युअली कर रहे हैं क्या, जो डॉलर साइन लगाते हैं फिक्स करने के लिए वो मैन्युअली कर रहे हैं या फिर उसके लिए भी कोई शॉर्टकट है? मैन्युअली भी कर सकते हैं, शॉर्टकट इसके लिए F4 होता है। एक बार करके स्लोली करके बताएंगे सर? F4 कर्सर रखिए और F4 बटन दबा दीजिए, फंक्शन कॉल जो होता है। अच्छा ठीक है, ओके सर। अब बात करते हैं मल्टीपल कंडीशंस के लिए। मल्टीपल कंडीशंस जैसे कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, मैं चाहता हूं कि ये जो नंबर्स हमारा है इस नंबर में जो 85 टू 95 है उसके सामने 800 आ जाए, राइट? तो उसके लिए अब क्या है कि इफ फॉर्मूले में हम दो कंडीशन नहीं दे सकते, एक इफ में आप एक ही कंडीशन दे सकते हैं। आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन हुआ तो उसके लिए हम लगाते हैं एंड का फॉर्मूला। ठीक है, कि एंड हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 85 कॉमा, इसको सिलेक्ट किया और बोला कि लेस देन इक्वल टू 95। तो एंड फॉर्मूला क्या होता है, उसका रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स देता है अगर उसके अंदर डली गई कंडीशन सारे फुलफिल होती है तो, और इफ जब इसको एंड को ट्रू मिलेगा तो अपना रिजल्ट शो करेगा, अदरवाइज उसका फॉल्स रिजल्ट शो करेगा।
तो आपके सामने देखिए जो 85 से ऊपर था, यहाँ पे मान लीजिए मैं 87 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 97 कर देता हूँ, सॉरी मैं यहाँ भी वो कर रहा हूँ, इसका सामने करना चाहिए ना, 97 नहीं आया, 87 आ गया। अब एंड को समझने के लिए चलिए एक और एग्जांपल हम आपके सामने रखते हैं। जैसे कि मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे नेम है कुछ और मेरे पास सब्जेक्ट्स है यहाँ पे इस तरह से S1, S2, S3, इस तरह से हमारे पास तीन ही सब्जेक्ट, मान लीजिए तीन सब्जेक्ट है यहाँ पे, नाम पूजा, नीरज, कविता, यहाँ पे मैं लगाऊंगा कुछ नंबर्स देते हैं क्योंकि सब्जेक्ट के रिजल्ट्स हैं। अब मुझे इसमें क्या करना है, रिजल्ट शो करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि सारे सब्जेक्ट में अगर वो 33 से ऊपर मतलब कि 33 से ऊपर अगर आता है तो पास है, अदरवाइज फेल है। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक इफ में एक ही कंडीशन होता है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, यहाँ पे एंड फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 33, फिर हमने यहाँ पे लिखा दैट इज इक्वल टू 33, फिर लिखा दैट इज इक्वल टू 33। सारे अगर 33 के इक्वल टू, माफ कीजिएगा ग्रेटर देन करना है ना, हमने गलती कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू करना है। सारे रिजल्ट अगर 33 से ऊपर हुए तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। फिर इसमें हम इफ लगाएंगे और इफ को बोलेंगे कि अगर ए ग्रेटर, ए सिंपल सा यहां पे पास पास और फेल कर दिया। अब दो अलग अलग है तो इसी एंड को आप कॉपी करके मर्ज कर दीजिए। ठीक है बिरजू जी, समझ में आया? बिरजू जी हाँ सर समझ में आया। अब इसी में अगर हम बात करें कि मेरे पास मल्टीपल कंडीशन है बट रिक्वायर नहीं है, ऑप्शनल, तो क्या करें? जैसे कि हमारे पास, हम आईडी प्रूफ किसी का डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं और मेरे पास यहाँ पे नेम है और आईडी में हमें लेना है, हम पैन नंबर ले सकते हैं, हम डीएल ले सकते हैं, हम पासपोर्ट ले सकते हैं और हम वोटर ले सकते हैं, हम यू आईडी ले सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि हमें इसमें से कोई एक एक से ज्यादा दे सकते, कोई मान लो कि पैन डीएल दे दिया, कोई डीएलई दे दिया, कोई पासपोर्ट ही जमा कर दिया, किसी सिर्फ आधार कार्ड ही दिया, तो स्टेटस हमें यहाँ ओके करना है। तो इनमें प्रॉब्लम क्या है कि इनमें से कोई एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो कंडीशन कहता है कि हमें कोई एक भी मिल गया फिर भी रिजल्ट को हम ओके कर देंगे, तो स्टेटस में क्या होगा? तो यहां मल्टीपल कंडीशन है तो यहां ऑब्वियसली एंड लगेगा, लेकिन नहीं, एंड नहीं, इफ नहीं लगेगा, एंड नहीं लगेगा, यहां पे और लगेगा। अब आप बोलेंगे इससे पहले तो हमने एंड लगाया, तो एंड का यूज होता है जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो और सारे कंडीशन रिक्वायर हो, बट यहां पे सारे कंडीशन हमारे रिक्वायर नहीं है, ऑप्शनल है, तो उस केस में हम यहाँ पे और लगाएंगे फॉर्मूला कि और हमने इसको सिलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा दैट इज इक्वल टू वाई दैट इज इक्वल टू वाई दैट इज इक्वल टू ऑल्सो वाई एंड अगेन हमने इसको सिलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू वाई, रिजल्ट ट्रू आया। अगर रिजल्ट यहां ट्रू आ रहा है तो हमने इफ को बोला कि अगर ये ट्रू है तो ओके, अदरवाइज पेंडिंग। समझ में आया या और का फंक्शन? आज तो छुट्टी है ना,
अब जैसे कि अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास ए है कि भाई इसमें पैन तो हमारा कंपल्सरी है, साथ ही साथ इनमें से कोई एक चाहिए, समझ गए? तो इसमें कंडीशन हो गया कि पैन हमारा, अगर मान लीजिए इसमें सिर्फ ये लिख रहा होगा कोई दो दो चाहिए मुझे कोई, तो उसके लिए तो सिंपल आप क्या करोगे, हम यहाँ पे काउंट लगा देंगे, काउंट ए लगा देंगे और काउंट ए में हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे पूरे को, दो आ जाएगा। और फिर इफ कंडीशन देंगे कि इफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू तो ओके, अदरवाइज पेंडिंग। लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है कि मुझे एक पेन होना ही चाहिए, कि पैन नंबर इज द कंपल्सरी, उसके अलावा कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पे एंड और को हम मिश्रित कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंड, तो जो कंपल्सरी है पैन वो एंड के अंदर में आ जाएगा, और जो ऑप्शनल है कि इसमें से कोई एक होगा वो और के अंदर में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा दैट इज इक्वल टू वाई comma that is equal to y, ठीक है? अब जैसे कि मैं यहां y लिखूंगा तो true आ जाएगा, true आया तो फिर इस पे अपना जो रिजल्ट देना है कंडीशन देना है, कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेस्टेड इफ का। नेस्टेड इफ जैसे कि यही इसी को हम ले लेते हैं, इसी को, इसी एग्जांपल को लेते हैं, इसमें रिजल्ट सिर्फ पास और फेल है, हमें दे रहा है कि किस सब्जेक्ट में फेल हुआ है, पहला एक सब्जेक्ट आना चाहिए, इससे सबसे पहले किस सब्जेक्ट में फेल हुआ है, सारे सब्जेक्ट का नाम नहीं आ सकता क्योंकि एक सेल किसी एक सेल की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है, इसलिए, ठीक है सर? तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में मैं यहां पे लगाऊंगा फॉर्मूला नेस्टेड इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, क्योंकि एक इफ एक कंडीशन, जितने कंडीशन उतने। हमने बोला कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है तो फिर दूसरा इफ चले और दूसरे सब्जेक्ट को चेक करें कि क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, फिर वापस वो तीसरा इफ चले और फिर तीसरे को सिलेक्ट करके चेक करें कि क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है। अगर हुआ तो यहाँ पे तीसरा अगर मिल जाता है तो पास आएगा, अदरवाइज हम लिखेंगे कि तीसरा सब्जेक्ट में फेल हुआ है। तो ये देखिए कि हर एक इफ हुआ और एक इफ के अंदर में दूसरा एक ट्रू पार्ट में, जैसे जैसे कि इस इफ के अंदर में पास और फेल हुआ, दूसरा इफ के अंदर में ट्रू पार्ट में क्या है, तीसरा इफ है, इसका फॉल्स पार्ट देना पड़ेगा ना, यहाँ फॉल्स पार्ट हमने दे दिया कि यहाँ पे सब्जेक्ट टू फेल और वापस हमने इसको पहला इफ में दे दिया सब्जेक्ट वन फेल। समझ में आया आपको ये सर? बिजू जी समझ में आया? हाँ सर। रजनीकांत जी सर ये लेकिन बहुत लंबा फॉर्मूला है, तो छोटा है ये, तो वो छोटा कर दिया मैंने, अगर सब्जी मान लो पांच सब्जी होते तो देखिए सिंपल, देखिए ना ये हमारा पहला इफ है, ये हमारा पहले इफ का कंडीशन है, ठीक है, और ए हमारा ट्रू पार्ट हो गया, तो इफ चेक करेगा कि अगर ग्रेटर देन 33 हुआ तो दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, अगर नहीं, अगर फेल हुआ मतलब कि 33 नहीं है कम है तो सीधे ए इसको रेफर करेगा और यहां से वो आउट हो जाएगा। सेम इफ चेक करेगा कि क्या ये 33 है, 33 है तो तीसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो फिर सीधे ए यहां से इसको शो करेगा और बाहर आ जाएगा। फिर तीसरा इफ चेक करेगा कि 33 है तो फिर वो पास को देगा, अदरवाइज वो फेल को देगा, सिंपल मेथड है। अब समझ में आया? लेकिन इसमें दो सब्जेक्ट में फेल होगा तो नहीं दिखाएगा, दो सब्जेक्ट में देगा तो पहला ही देगा, पहले ही मैंने बता दिया आपको कि एक बार एक सेल में किसी एक सेल की वैल्यू ही रिप्रेजेंट हो सकती है एक्सेल का नियम। दो सब्जेक्ट के लिए फिर वीवीएस इस्तेमाल करके फिर कॉन्करा नेट करवाना पड़ेगा,
अब जैसे कि इसी की बात करिए तो इसमें क्या करेंगे, अगर मुझे इफ से करना हुआ तो कि इफ अगर ए इक्वल टू वाई हुआ तो यहीं पे ओके दे दे और इफ को खत्म कर दे, नहीं वाई नहीं है फिर दूसरा इफ चलेगा और दूसरे को सिलेक्ट करेगा। इफ अगर यहां पे वाई है तो यहां पे ओके दे, अदरवाइज यहां पे इफ को खत्म कर दे, ठीक है। फिर यहां पे एक और इफ चलेगा कि इफ अगर ए इक्वल टू वाई है तो यहां पे ओके को शो करे, अदरवाइज खत्म कर दे। फिर यहां पे इफ दिया हमने, हमने बोला कि अगर ए इक्वल टू वाई है तो यहां पे ओके शो करो और इफ को खत्म कर दो। इन एंड लास्ट ये चेक करेगा कि इसमें अगर वाई है तो ओके को शो करो और खत्म कर दो, नहीं हुआ तो पेंडिंग दो, क्योंकि इसमें पेंडिंग के चांसेस एक बार है लेकिन ओके के चांसेस जो है 5 बार। तो इस तरह से इसको बोलते हैं एल्स इफ, ठीक है, कंडीशन रिजल्ट देन एल्स इफ, मतलब कि फॉल्स पार्ट में जो इफ लगा उसको एल्स इफ कहा जाता है। लेकिन अगर मुझे इस कंडीशन को फॉलो करना हुआ तो क्या करेंगे कि हम यहां कहेंगे कि इफ अगर ए इक्वल टू वाई हुआ तो उसके बाद ए फॉर्मूला चला ना वो चलेगा कि इफ अगर ए इक्वल टू वाई है तो यहां पे ओके दे, फिर इफ अगर ए इक्वल टू वाई है तो ओके दे, इसी तरह से चलेगा और एंड लास्ट में हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहां पे पेंडिंग दे देंगे। समझ गया सर? सॉरी इसमें हमने कंडीशन नहीं दिया ना इक्वल टू वाई, दो ही कंडीशन लगाए मैंने, इस तरह से कंडीशन लगाएंगे कि पहला हमारा ट्रू में होगा, मतलब कि पहली कंडीशन और बाकी कंडीशन हमारे ट्रू पार्ट में चला जाएगा। आप लोग ट्राई करके देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं स्लैब, स्लैब नेस्टेड में भी हम एलसीप की बात करते हैं बट स्लैब्स की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे या ग्रेडिंग सिस्टम की बात करते हैं कि हमारे पास इस तरह से कुछ नंबर दे देता हूं मैं और हमारा स्लैब कहता है कि 0 to 40 आया तो 500, 41 to 80 आया तो 1000, 81 to 100 आया तो 2000 और ग्रेटर देन 100 आया तो 3000। तो पैसे की जगह पे आप एबीसीडी भी, ग्रेडिंग जो होता है एबीसीडी भी डाल सकते हो और इसको हम ऐसा नीचे से चलेंगे। हम लिखते हैं कि इफ अगर यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 हुआ तो यहाँ पे 500 शो हो जाए और इफ को खत्म कर दे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एल्स में दूसरा इफ चले, जैसे कि मैंने इसको यहां पे लगाया था सेम मेथड यहां लगा रहा और लेस देन इक्वल टू अगर ए 80 हुआ तो 1000 शो करके फॉर्मूला यहीं पे खत्म कर दो, नहीं तो फिर इफ हमने सेलेक्ट किया अगर ए लेस देन इक्वल टू 100 है तो यहाँ पे 2000 दो, नहीं तो फिर लास्ट में तो हमारा 1500 होगा ही होगा। तो यहाँ देखिए ये लग गया, समझ में आया आपको? हाँ सर। अब लास्ट इफ की कैलकुलेशन, मान लीजिए हमको इनकम टैक्स निकालना हो तो कैसे लिखेंगे, ग्रॉस इनकम, ठीक है। जैसे कि इनकम टैक्स क्या कहती है कि बिलो 5 लाख 5 लाख तक, बिलो 3 लाख सॉरी 3 लाख निल, ठीक है, 3 to 5 10 सॉरी यहां पे इस तरह देखना होगा,
325 10% and 5 to 10 20% और greater than 10 is the 30%. यही है ना स्लैब अभी फिलहाल है इनकम टैक्स 3 to 5 में 5% है नहीं 10% है अभी भी मैंने भरा है 14,000 रुपया थर्टी परसेंट है इसमें एक और है कि अगर इसमें ग्रेटर देन 1 करोड़ हुआ तो 2% एक्स्ट्रा लगता है समझे हर एक 1 करोड़ पे जैसे अब 10 करोड़ हुआ तो फिर हर 10 करोड़ हर 1 करोड़ का 2% अलग रहेगा तो चार्ज पे सर चार्ज वगैरह है इसमें तो मान लीजिए कि मेरी सैलरी जो है मेरी जो है 3.5 लाख ठीक है तो इसके लिए क्या कंडीशन है यहां लगेगा कि अगर ए लेस देन इक्वल टू देखिए यहां पे लेस देन इक्वल टू 3 है तो 0 मतलब कि निल देन इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 5 है मैं 5 लिख रहा हूं आप लाख लिख देना क्योंकि लाख का लंबा वर्ड जाता है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं तो इसमें से माइनस होगा 3 और फिर मल्टीप्लाई बाय 10% समझ में आया अगर 3.5 है मतलब कि 3 माइनस होगा 0.5 0.5 का 10% राइट फिर उसी तरीके से अब मैं यहां पे अगला कंडीशन देता हूं कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू हुआ 10 तो क्या होगा 0 + 2 का 10% प्लस इसमें से माइनस होगा 5 और उसका 20% फिर इफ अगर ए अगर ग्रेटर देन 10 है तो 0 + 2 का 10% प्लस 5 का 20% प्लस इसमें से माइनस होगा 10 उसका 30% ये इनकम टैक्स का ये है सॉरी हमने बोर्ड मास मेथड इस्तेमाल नहीं किया हुआ है आ गया इसमें 5,000 रुपये हमें बोर्ड मास मेथड हर जगह इस्तेमाल करना होगा जहां जहां हमने मल्टीप्लाई किया है समझ गया आया समझ में कि नहीं बिरजू जी रजनीकांत जी समझ में आया ये कैलकुलेशन इनकम टैक्स का हाँ सर समझ में आ गया हाँ सर समझ में आया चलिए तो इस कैटेगरी हमारा खत्म हुआ अगली कैटेगरी का जो है हमारा वो है टैक्स कैटेगरी अगला फॉर्मूला हमारा है टैक्स कैटेगरी का इसको भी ध्यान से देख जैसे हम कोई टैक्स लिखते हैं जैसे हम ए लिख दिया हमारे पास फॉर्मूला है कोड का जो इसका कोड अलग करता है 65 समझ गए और एक हमारे पास फॉर्मूला है कैर का जो कि इसमें से करेक्टर को अलग करता है करेक्टर करता है मतलब कि करेक्टर से कोड निकला 65 वापस 65 को करेक्टर में कन्वर्ट इसका यूज क्या है हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे उससे पहले जैसे कि हम लोग कभी कभी नाम लिखते हैं जैसे मैंने नाम लिख दिया सुजीत और इसमें 5-7 स्पेस लेके दे दिया मैंने कुमार अनवांटेड स्पेस है या कभी कभी हम क्या कर देते हैं सुजीत और स्पेस देते छोड़ देते हैं तो ऐसे अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है ट्रिम फॉर्मूला ट्रिम फॉर्मूला अनवांटेड देखिए पूरी स्पेस को नहीं हटाएगा
तो इसको चेक करना है तो मैं लीन फॉर्मूला लगाता हूं। लीन फॉर्मूला क्या करता है, लेंथ निकालता है कि कितना लीटर, इसमें 22 है और इसमें देखिए 6। तो ट्रिम क्या करता है, ट्रिम करता है अलग एक। और राजेश जी गुड मॉर्निंग, हाँ हाँ 11 बजे मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास पर बात करें। सॉरी सर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुजीत और यहाँ पे ऑल्ट एंटर मार देता हूँ। क्या मारता हूँ, ऑल्ट एंटर, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है क्योंकि ट्रिम फॉर्मूला इसको अलग नहीं कर पाएगा, ये जो है नॉन प्रिंटेबल करेक्टर। यहाँ पे सुजीत दिख रहा है 6 लेटर है, लेकिन अगर इसको अगर आप लीन फॉर्मूले से देखें तो ये 7 दिखेगा। एक जो है वो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है, ऐसा करेक्टर जो कि प्रिंट में नहीं आता है। ठीक है, ऐसे करेक्टर को रिमूव करता है क्लीन फॉर्मूला, क्लीन। लेकिन कभी कभी क्या है कि मैं यहां लिख देता हूं सुजीत और ऑल्ट एंटर मार के हमने दिया कुमार, तो यहां पे अगर मैं ट्रीम लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, सॉरी क्लीन लिखता हूं, क्लीन, तो ये क्या हो जाएगा। अभी देखिए टी और के बीच में एक करेक्टर है, अगर हम लेन फॉर्मूला लगाएं तो आपको पता चलेगा कि इनके बीच में एक लेटर है जिसको नॉन प्रिंटेबल करेक्टर बोलते हैं। जैसे आपका देखिए, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे करेक्टर को रिमूव कर देना, कोई माफ कीजिए मैं बोला टी और के बीच में कोई लेटर नहीं है, एक सेपरेटर आना चाहिए। तो हम पहले सीखेंगे कि किसी सेल वैल्यू में किसी पर्टिकुलर करेक्टर को किसी अनोदर करेक्टर से कैसे हटाया जाए। जैसे मैं डॉट को डैश करना चाहता हूं, तो हमारे पास इसके लिए सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला है जो कि जो डॉट है उसको कर देगा। तो इसमें देना पड़ता है कि किस लेटर को किस लेटर से आपको रिप्लेस करना है। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेकिन सब्स्टिट्यूट के अंदर में एक इंस्टेंस नंबर है। अब जैसे इसका अगर हम नॉट इंस्टेंस नंबर, तो जितने भी लेटर है सबको अलग कर देगा। लेकिन अगर इसके बीच में अगर मैंने दे दिया मान लीजिए कि कोई नंबर की वन, तो ये पहले को अलग किया दूसरे को नहीं। इंस्टेंस नंबर अब डालोगे तो उस नंबर का अलग करेगा, अगर दूसरा कर दिया तो दूसरे को अलग किया पहले को नहीं, अगर नहीं दोगे तो ओवरऑल कर देगा। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला, अब सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला की तरह एक फॉर्मूला होता है रिप्लेस का, तो रिप्लेस भी सेम काम करता है, लेकिन इसमें करेक्टर नहीं, ये नंबर भी चलता है कि इसमें चौथे नंबर से एक नंबर को डैश कर। जब आपको पोजीशन पता, ये पता ना हो कि करेक्टर कौन सा, पोजीशन पता हो कि 5 लीटर है, 5 लीटर के बाद छठे लीटर को रिप्लेस कर दे किसी और लीटर से, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है रिप्लेस। तो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला एंड रिप्लेस फॉर्मूला समझ में आ गया। Yes, अब जैसे कि मैं यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाता हूं, या मान लीजिए कि हमने यहाँ पे स्पेस देना है ना, तो अगर मैं यहाँ पर लगाता हूं सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला, तो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला में हम लेटर क्या दे, यहाँ पे क्या ऑल्ट एंटर मारे तो गड़बड़ हो जाएगी फॉर्मूला में। तो उस केस में क्या हुआ कि हम किसी एक सेल पे ऑल्ट एंटर प्रेस करके उस लेटर को लिख देंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास कोड का फॉर्मूला है, तो कोड फॉर्मूला बताएगा कि उस लेटर का कोड क्या है, और फिर कैर फॉर्मूला उसको वापस करेक्टर में कन्वर्ट कर। मतलब कि मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाऊंगा और हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां पे कैर के अंदर में 10 दिया और बोला कि स्पेस कर दो, इसने स्पेस कर दिया। ठीक है, आया समझ में सर? यस सर।
अब दूसरी चीजों पे बात करें तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया सुजीत, मुझे इसको केस चेंज करना है, अपर में करना है तो मैं अपर लिख दूंगा, लोअर में करना है तो मेरे पास लोअर का फॉर्मूला है, एंड लास्ट एक प्रोपर है जो कि प्रोपर का फॉर्मूला है, तो लोअर अपर एंड प्रोपर, समझ गए सर? जैसे सर ये आपने अभी ट्रिम फंक्शन या रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट फंक्शन कर रहे हैं यूज, इससे जो वैल्यू आ रही है हमारे अगले सेल में आ रही है, ठीक सर? और सपोज दैट क्या कहते हैं कि एक कॉलम है जिसमें लाखों रो भरे हुए हैं और उसमें कोई कभी सुजीत कैपिटल में है, कभी स्मॉल में है, कभी स्पेस है, और मैं उन सबको ठीक करना चाहता हूँ उसी सेल में, मतलब उसी कॉलम में, मैं एक नया कॉलम नहीं करना चाहता हूँ। आपको याद है सर कालिदास की कहानी, जिस डाल पे बैठे उस डाल को कैसे काटोगे, तो जिस सेल में आपका इनपुट है उस सेल में आउटपुट कैसे ला सकते हो? तो सर कोई तरीका नहीं इस चीज को कि उस कॉलम में जो वैल्यू है अगले सेल को ठीक कर दें, अगले सेल में कर लीजिए और फिर कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है सर, क्योंकि जिस सेल में इनपुट है उस सेल में आउटपुट से लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं इस पे फॉर्मूला लगाऊंगा तो फिर ये रिप्लेस हो जाएगा ना हेल्प फॉर्मूला से, सिंपल सी लॉजिक। अब हम बात करते हैं सेपरेशन की, जैसे कि मैंने यहां लिख दिया सुजीत कुमार सिंह, अब मैं चाहता हूं इसमें से सुजीत को अलग करना, कुमार को अलग करना और सिंह को अलग करना, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है लेफ्ट का जो कि लेफ्ट सेलेक्ट करके मैं पांच लेटर दे दिया तो पांच को अलग कर देगा, पांच या छह जो भी दीजिए। फिर दूसरा हमारे पास आता है फॉर्मूला राइट का, नहीं राइट यहां लगेगा ना, हाँ राइट का, वो राइट से जितना लेटर बोलोगे उतना लेटर राइट से अलग कर देगा। तीसरा फॉर्मूला होता है मिड का, कि मिड से बोलोगे तो मिड को बताना पड़ता है कि मिड कहां से स्टार्ट है, तो हमने बोला यहाँ पे छठा सातवां आठवें से मिड स्टार्ट है और इससे पांच लेटर करना है, तो यहां देखिए ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वही हुआ कि ऑटोमेटिक सेपरेशन तो नहीं हुआ ना, जैसे मैंने यहाँ पे अगर सुजीत कुमार लिखा और मुझे अलग अलग करना, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फाइंड और सर्च का, दोनों एक ही जैसा होता है, उसमें अगर मैं बोलता हूं कोई लेटर को इसमें सेलेक्ट किया और बोला वन थे के स्टार्टिंग से, तो ये बताता है कि जो हमारा ए है डैश स्पेस है किसने लेटर पे, तो मैंने इसके लिए लगाया लेफ्ट, लेफ्ट को बोला कि सेवन माइनस वन, सुजीत आ गया ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे सुजीत की जगह पे मैं राजकुमार भी लिखूंगा ना तो राज आ जाएगा, लेटर से कोई फर्क नहीं, बट यहाँ पे अगर सुजीत की जगह राज कर दिया तो फर्क पड़ जाएगा, ठीक है? ये फाइन समझ में आया आपको क्या किया मैंने, और इसी में हमें कुमार चाहिए तो मैं यहां पे लिखूंगा सेम राइट, इसको सिलेक्ट किया और कॉपी, हमने बोला कि इसकी कंप्लीट लेंथ जितना भी लेंथ है उसमें से माइनस हो जाना चाहिए, सॉरी यहां इसमें देना है ना, इसको सिलेक्ट किया और मैंने बोला इसमें से माइनस हो जाना चाहिए फोर, सुजीत कुमार राजकुमार जो भी लिखोगा आ जाएगा, बट आप लोगों के दिमाग में हो रहा होगा कि इसमें अगर तीन नाम हुआ तो क्या, अगर हमारे पास तीन नाम हुए तो, अगर आपके पास तीन नाम हुए तो उसका उपाय क्या है, उसका उपाय आपको ढूंढना है कि हमने अभी इसमें अगला एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं। हेलो, हाँ जी, हेलो सुजीत सर, होता है क्या साउथ इंडियन नेम चार पांच लेटर होते हैं, ठीक है, तो उसे कैसे अलग करेंगे?
उसके लिए फिर आपको टेक्स्ट टू कॉलम या फिर एक लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला उसके लिए नहीं है। ओके सर। ठीक है, इसमें राजू जी चले गए, समझ गया? डाउट सर इसमें? नहीं सर। ओके अब इसमें अगली जो टॉपिक आती है, अगली टॉपिक आती है हमारा ज्वाइन का। हमें सेपरेटिस्ट करना सीख लिया, ज्वाइन करना सीख। मैंने लिखा जी, यहाँ पे लिखता हूँ कुमार, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, एन परसेंट का सिंबल देंगे, स्पेस देंगे और हम वापस एन परसेंट देंगे और हम इसको सेलेक्ट करेंगे, तो रिजल्ट आ गया। सुजीत कुमार, एन परसेंट का साइन भी दे सकते हैं, एन परसेंट का भी साइन दे सकते हैं और एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉनकेटनेट, उस कॉनकेटनेट को भी दे सकते हैं कि कॉनकेटनेट इसको सिलेक्ट कर दिया और हमने स्पेस इसको सिलेक्ट कर दिया, तो रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन अगर कोई डेट हुआ, जैसे हमने यहाँ पे डेट दिया, इन दोनों के बीच मुझे डेट का चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हम इसको डायरेक्ट हम कॉनकेटनेट कर दिए इस तरह से, इसमें तो क्या हो जाएगा, यहां पे नंबर दिखेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि डेट का फॉर्मेट डेट दिखता है लेकिन एक्चुअली होता फॉर्मेट नंबर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है टेक्स्ट का, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें देंगे कॉमा डी डी डी, तीन बार दो बार डी डी कॉमा एम एम कॉमा। जो कस्टम फॉर्मेटिंग हमने लगाया था वो सारा मेथड हम यहां अप्लाई करेंगे और आपके सामने रिजल्ट। ठीक है, अब टेक्स्ट फॉर्मूले में बाकी छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, तो उसको एक बार अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, कोई तो फॉर्मूला आपके लिए अगर सीखने लायक होगा तो मुझे बताइएगा, हम आपको सिखा देंगे, राइट? इसमें एक वैल्यू का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो देख, जैसे सिंगल कोट लगा के आप किसी भी तरीके से अगर हमने नंबर को टेक्स्ट में लिख दिया, इसको वापस में नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप वैल्यू का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि वापस इसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? अब टेक्स्ट के बाद अगला फॉर्मूला होता है हमारे पास, आता है डेट का, डेट एंड टाइम। सबसे पहले बता दूं कि डेट लिखने का तरीका क्या है। जैसे कि आज का डेट लिखना है तो सातवां महीना 21 तारीख। अब इसमें ये हो गया कि अगर मैं तारीख ना डालूं, अगर मैं इसमें तारीख ना डालूं तो एंटर के बगैर मैं इसको बाहर कर दूं, मतलब ईयर ना डालूं तो एक ईयर एक्सेप्ट कर लेता है, ईयर को एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि करेंट ईयर है, इसलिए। अगर प्रीवियस ईयर है तो आपको ईयर भी देना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके सिस्टम पे अगर एम एम डी डी वाई वाई फॉर्मेट है, मंथ डे ईयर का फॉर्मेट है, तो डेट आपको दिखेगा, लेकिन अगर आपके फॉर्मेट में एम एम नहीं डी डी वाई डी डी एम एम वाई वाई है, मतलब कि डेट मंथ ईयर है आपका फॉर्मेट, तो फिर क्या होगा कि ए आपके डेट दिन होगा, 21 जो महीना बन जाएगा और 7 जो है डेट बन जाएगा, और 21 महीना होता नहीं है इसलिए आपके यहाँ टैक्स शो करेगा। तो इससे अच्छा सलूशन ये है कि अगर किसी को आप डेट भेज रहे हो तो आप अलग अलग करके भेजो, इस तरह से कि डेट इसमें दे दीजिए 2018 कॉमा सातवां महीना और 21 तारीख,
अब ये डेट किसी भी फॉर्मेट पे जाएगा तो डेट ही रहेगा, चाहे जो भी फॉर्मेट क्यों ना हो। अब इसको अलग अलग कैसे करेंगे, तो हमारे पास डे का फॉर्मूला है जो कि बताता है कि दिन है, फिर हमारे पास एक मंथ का फॉर्मूला है जो कि बताता है इसमें से मंथ को अलग करता है, और एक हमारे पास ईयर का फॉर्मूला है जो कि इसमें से ईयर को अलग करता है, और वापस डेट का फॉर्मूला मैंने बताया ही कि इन सबको वापस कंबाइन कर देता है। राइट, आया समझ में? अब प्रॉब्लम यहां पे ये आता है, ये तो समझ गए। अब बात करते हैं डेट की कैलकुलेशन के ऊपर। जैसे कि हमने आज का डेट डाला और इसमें मुझे अगर 10 दिन जोड़ने, तो हम सिंपली हम क्या करेंगे कि इसमें प्लस कर देंगे 10, राइट, प्लस 10। फिर इसमें मान लीजिए कि 3 महीना जोड़ना है, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा यहां पे ईओ मंथ, इलेक्ट्रॉनिक्स मंथ डेट, और यहाँ पे हम ये दे देंगे, ये हमारा दिन बन जाएगा। माइनस करने हैं तो इसको माइनस, यहाँ पे डेट है इसको डेट फॉर्म में तो बनाइए, तो डेट बन जाएगा। माइनस 3 कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे एक डेट में 2 साल 4 महीने और 27 दिन जोड़ने हैं, तो इसके लिए फिर हमें उल्टो वाला मेथड बताना पड़ेगा। कैसे कि डेट हमने इसमें से ईयर को अलग किया, तो इसमें से 2018 अलग हो गया, अब 2018 में 2 जोड़ दिया तो 20 हो जाएगा। फिर मैं इसमें से मंथ को अलग करूंगा और इस मंथ में प्लस 4 कर दूंगा, और फिर यहां पे डेट डे अलग करूंगा और इसमें प्लस 27 कर दूंगा, तो डेट आपको बन जाएगा। आया समझ में? हेलो सर, ये नंबर को डेट में डायरेक्ट कन्वर्ट कैसे करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट हैश। कंट्रोल शिफ्ट हैश एच। हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस, अब बात करते हैं डिफरेंस की, कि दो डेट के बीच में डिफरेंस कैसे निकालेंगे। एक तो फॉर्मूला है डेज का, कि डेज लेटेस्ट डेट कॉमा एंड डेट ओल्डेस्ट डेट दिख जाएगा, या फिर दूसरा है कि लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, आपको डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन मुझे इन दोनों डेट के बीच में चाहिए 300, हमारे पास एक और आता है डिफरेंस का डेज 360, वो भी आपका स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट करो तो नंबर ऑफ डेज देता है। एक दिन कम दिया, क्यों? क्योंकि तो ये साल को 365 दिन के हिसाब से नहीं, 360 दिन के हिसाब से चलता है फाइनेंशियल ईयर पे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो होते हैं वो 360 दिन के होते हैं, 5 दिन लेजर मेंटेन और बैलेंस तैयार करने के लिए रखा जाता है। सर आपका वॉइस थोड़ा ठीक से नहीं आ रहा। सर डेज 360 क्या करता है कि डेज को तीन महीने, साल को 360 दिन काउंट करता है, 5 दिन लेजर मेंटेन करने के लिए लगता है, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलता है। अब बात आती है कि मुझे इसमें से वर्किंग डे चाहिए, सैटरडे एंड संडे एंड होलीडे को हटा के कितने दिन, तो उसके लिए हमारे पास आता है नेट वर्क डेज। हमने यहाँ पे इसको स्टार्ट डेट को सिलेक्ट किया, एंड डेट को सिलेक्ट किया, और हमने होलीडे यहाँ सेलेक्ट कर लिया। होलीडे मतलब कि जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी जो है इस टाइप के, 26 जनवरी देखा एक दिन कम हो गया ना, तो पूरे साल का यहाँ पे होलीडे रख दे, ये अपने हिसाब से अलग कर लेगा, ठीक है। सर वीक का कैसे करेंगे, जैसे हमें मुझे चाहिए होगा वीक 1, वीक 2, वीक 3, वो बाद बताते हैं आपको, पहले इसको पूरा कर लीजिए। उसके बाद सर ये जो ये इसमें क्या हो,
इसमें सैटरडे एंड संडे को काउंट नहीं किया और एथ कॉलम जो डेट डाला हुआ है उसको काउंट नहीं किया। एग्जैक्ट वर्किंग डे बताया कि कितना दिन ऑफिस खुला था और छुट्टी में उसने सैटरडे संडे। अच्छा, मतलब अगर बता रहा हूँ सुनिए, अगर आपके मन में ही जना आता है कि मेरी ऑफिस सैटरडे एंड संडे नहीं सिर्फ संडे खुलती है, गल्फ की बहुत सारी कंट्री है जो कि फ्राइडे टू सैटरडे खुलती है और फ्राइडे सैटरडे खुलती है, सिर्फ फ्राइडे खुलती है, तो उस केस में आपके पास नेटवर्क डेज डॉट आईएमटीएल का फॉर्मूला है। इसमें हमने स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट ले लिया और इसके अंदर में हम अपना हॉलीडे सिलेक्ट करेंगे, कौन सा हॉलीडे चाहिए, संडे चाहिए ओनली, तो संडे पे कर्सर यहाँ लाएंगे और टैब देके इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना हॉलीडे लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। तो अब इसने ऑफिस को सैटरडे एंड संडे ही बंद माना है और जो एच कॉलम में डेट डली हुई है उसको बंद माना है, तो उसको छोड़ के कितने दिन ऑफिस खुला था वो दे दिया इसने। आया समझ में? हेलो, डेट देनी पड़ेगी इसको, मतलब अब आगे बढ़ते इसमें। जैसे कि आज मैंने एक कस्टमर केयर को कंप्लेन दर्ज किया अपने बैंक में, बैंक में कस्टमर केयर ने बोला कि आपकी प्रॉब्लम को 15 वर्किंग डे में सॉल्व कर दिया जाएगा। कस्टमर केयर का सैटरडे संडे बंद होता है और हॉलीडे में बंद होता है, तो कौन सा दिन आएगा 15 दिन बाद जिस दिन हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व होने की चांसेस है, तो उसके लिए हमारे पास वर्क डे का फॉर्मूला कि भाई स्टार्ट डेट और नंबर ऑफ डेज एंड इसमें हॉलीडे लिस्ट ले लिया, ये आपका सामने 10 अगस्त को, लेकिन सैटरडे एंड संडे को ऑफिस को बंद माना गया है। आप चाहते हैं नहीं, सैटरडे संडे मेरा ऑफिस बंद नहीं होता है, मेरा मंडे संडे को बंद होता है, तो उस केस में यहाँ होगा वर्क डे डॉट आई एम टी एल मतलब इंटरनेशनल स्टार्ट डेट कॉमा डेज और फिर इसके अंदर में हम अपना वीकेंड सेलेक्ट करेंगे और फिर हम यहाँ पे हॉलीडे सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपके सामने रिजल्ट आ गया। क्लियर है? उसके अलावा मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई भी डेट डालता, मुझे इस महीने की आखिरी डेट चाहिए, क्योंकि आखिरी डेट में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ईओ मंथ एंड ऑफ मंथ, इसको सिलेक्ट किया कॉमा हम वन देते, तो यहाँ पे माफ कीजिएगा ई डेट का फॉर्मूला था, हमें गलत यहाँ फॉर्मूला था दिया ई डेट स्टार्ट डेट कॉमा ये, तो ये आपको डिफरेंस बताता है, डेट फिक्स होता है सिर्फ मंथ को चेंज करता है, और यहाँ जो बताया मैंने आपको एंड ऑफ द मंथ मतलब कि कितना मही कितने दिन बाद इस महीने की लास्ट डेट कौन सी है, तो यहाँ पे अगर मैं जीरो करूंगा तो उसी महीने का दिखाएगा, अगर मैं यहाँ पे वन करूंगा तो अगले महीने का दिखाएगा और माइनस करूंगा तो पिछले महीने का दिखाएगा, माइनस वन माइनस टू इस तरह। ठीक है? सर ये ई डेट में मैंने समझा, ई डेट क्या कर रहे थे सर? ई डेट डेट में मंथ ऐड करता है, जैसे कि 21 तारीख में 3 मंथ ऐड करके इसने 31 अक्टूबर बता दिया, जुलाई 7 में 3 जोड़ दिया ना, 10 बन गया। क्लियर है? अब दूसरा एक चीज और आता है, जैसे हमने यहाँ पे डेट दिया और डेट में यहाँ भी हमारे पास मान लीजिए कि एक डेट है, मुझे इसमें से मान लीजिए कि मुझे एक काम मिला था एक साल का एक हमने काम लिया था, वो काम था कि एक साल में हमें एक प्रोजेक्ट को फॉलो करना, समझे, एक साल में हमें एक प्रोजेक्ट को फॉलो करना था, उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ,
कि उससे क्या हुआ कि साल भर में हमें 5 लाख मिले, बट प्रोजेक्ट ने आज ही खत्म कर दिया, तो मुझे 5 लाख तो नहीं मिलेंगे ना। तो कितना परसेंट टाइम हमने कंज्यूम किया ताकि उतना परसेंट में बिल कर सकूं, तो उसके लिए यहाँ पे होता है ईयर फ्रेक्वेंसी, ये स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और एंटर मारिए, ये बताता हमने 55% साल का इस्तेमाल किया। इसने क्या किया, इसने 365 दिन निकाला। सर आप 65 बार वापस से कहिए ना क्या कर रहे हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, देखिए तो सही, इसने क्या कर रहा है बैकन में कि एक दिन निकाल रहा है किंतु 301 दिन। उसने फिर क्या किया कि इसने इसको डिवाइड कर दिया 365 डेज, और रिजल्ट आपके सामने, समझे? 365 के जवाब पे हमने 201 दिन काम किया, कितना परसेंट काम किया, सिंपल। और फॉर्मूला कौन सा यूज किया सर आपने? जो फॉर्मूला ईयर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब टाइम की बात करते हैं, सिस्टम का भी यहाँ पे टाइम लिखने के लिए लिखते हैं 10:10:20 हमने लिख दिया। अब टाइम में से भी हम कंट्रीब्यूशन अलग कर सकते हैं, जैसे हम डेट क्लियर रखते हैं, हमारे पास यहाँ पे आवर होता है जो इसमें से आवर को अलग करता है, मिनट होता है जो कि इसमें से मिनट को अलग करता है, और सेकंड होता है जो कि इसमें से सेकंड को अलग करता है, और वापस हमारे पास टाइम का फॉर्मूला होता है जो कि इन तीनों को आपस में कंबाइन करता है, मिनट आवर एंड सेकेंड, तीनों को इसने कंबाइन करता है। मतलब कि अगर आप मान लीजिए कि 10:20 में अगर आप चाहते हो 50 मिनट ऐड करना, 30 मिनट ही ऐड करना, तो आपको अगर टाइम फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो इजिली ये क्या करोगे आप, इस पे प्लस कर दो तो आपका टाइम आ जाएगा। लेकिन अगर आपने 30 को एज ए नंबर फॉर्मेट में लिख दिया, 30 को 130 नहीं, क्योंकि 1 को 24 घंटा मानता है, 30 मल्टीप्लाई बाय 24 मान, तो उस केस में हम इसके अंदर जाएंगे और इस पे प्लस टाइम, और इसमें देंगे आवर मिनट एंड सेकेंड, आवर मिनट एंड सेकेंड, सॉरी इतना लिख दिया ना, तो ज्यादा लिख दिया, प्लीज। तो ये आपके पास आपका रिजल्ट लिख दिया। अब डिफरेंस की बात करें कि मैं सुबह 6:10 ऑफिस गया और शाम को 6:00 जो है ऑफिस से निकला, तो मैं कितना घंटा काम किया। तो अगर आपका डेट सेम टाइम सेम डे का है तो लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट कर दोगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये है कि मैं कल, मतलब कि आज जो है, आज मैं गया ऑफिस दोपहर के 2 बजे और कल मैं ऑफिस से गुजरा आया सुबह के 8 बजे या सुबह के 6 बजे, ये डेट चेंज हो गया, तो उस केस में आपको खाया तो डेट एंड टाइम इकट्ठा लिखना है, डेट एंड टाइम को इकट्ठा लिखना है, या फिर नहीं लिखे हैं तो प्लस कर दीजिए, देन लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट एंड टाइम, और आपके सामने रिजल्ट आएगा। रिजल्ट पॉइंट्स में आएंगे तो इसके ऊपर आप फॉर्मेट में जाएं और इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगा वो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगा डेट का, और डेट का कौन सा, 37:30:55, 37:30:55, और आपके सामने रिजल्ट आ जाए। तो इसी तरह से डेट फॉर्मूले में हो सकता है कि कुछ और फॉर्मूले हो, तो एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें एक फॉर्मूला है आपके यहाँ पे, वर्क डे एंड वीक, वर्क तो पढ़ाई दिया मैंने आपको, वीक डे और वीक नंबर, इसको एक बार सर ISO वीक वाला बता दीजिएगा सर। ये मैं कोई खास नहीं, उसमें
जैसे कि हमने यहाँ पे एक डेट डाल दिया, हमने डेट को अलग। अब यहां पे मैं देता हूं वीक डे, ये बताएगा। अब यहाँ पे दे दिया मैंने कि आपका वीक कब से स्टार्ट हो रहा है। जैसे गल्फ में फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होता है, संडे से वीक स्टार्ट होता है, बट हम लोग के यहाँ सैटरडे एंड संडे छुट्टी होती है, मंडे से वीक स्टार्ट होता है। तो मैं मंडे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये बताएगा कि वीक का कौन सा दिन है, सातवां दिन है, पहला दिन है। जैसे आज जुलाई 21 है तो वीक का छठा दिन, तो मंडे से एक काउंट करता है संडे तक सेवन, फिर वापस वन से। और ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका वीक नम का। तो वीक नम क्या करता है, इसमें से नंबर ऑफ वीक सेलेक्ट करता है कि साल का एक कौन सा वीक चल रहा है। तो साल का चल रहा है 27वां वीक, समझ गए सर। एक्चुअली मेरे ऑफिस में, मतलब मेरी कंपनी में मंथ ऐसे चलता है, 26 से 25 का ये लोग साइकिल लेके चलते हैं और वीक निकालते हैं 26 से पहला वीक इनका शुरू हो जाता है, फिर वीक वन वीक टू वीक थ्री वीक फोर जाते हैं, फिर उसके बाद फिर अगले महीने का वीक वन वीक टू चलता है, 26 से 25 चलता है सर। इसी हिसाब से ये सर पूरा का पूरा महीना बांटे रहते हैं, जनवरी फरवरी में एक से नहीं चलते सर, इसमें बड़ी दिक्कत होती है मुझे सर। देखना पड़ेगा सर उसको, अगर आप आपका वीक कंटिन्यू लिखा हुआ है, जैसे आपने बोला कि 26 से चलता है, राइट। इसी महीने के मान लीजिए कि 26 मई से लेते हैं, जून से लेते हैं 26, और हमने इसको नीचे लेके चलते हैं। मुझे इसका वीक, अगर आपका कंटिन्यू डेट लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे आप लगाएंगे फॉर्मूला। नहीं नहीं हाँ, यहां पे फॉर्मूला होगा काउंट, काउंट ए कंटिन्यूअस है, काउंट ए डिवाइड बाई सेवन। डेसिमल में आया और ये राउंड हो जाएगा, राउंड अप एंड कॉमा जी। और नीचे ड्रैग करने से पहले पहले एक और फीचर, ठीक है, इसके साथ डब्लू काउंट करना है तो डब्लू कर दीजिए। समझ में आया सर, सर समझ में तो आ गया सर, अगर इसके साथ में वो सीक्वेंस नहीं है तो फिर दिक्कत है, तब तो फिर वो डिफरेंसेस का अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा है आज, थोड़ा सा दिमाग भी नहीं चल रहा है, किसी दिन चलेगा तो बता दूंगा, ठीक है, वो भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, वो तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या होगा, जैसे कि 26 तारीख से स्टार्ट होता है, 26 से 26, ठीक है ना। मैंने फिलहाल सर एक टेम्परेरी जुगाड़ बनाया था, बड़ा लंबा लेकिन फॉर्मूला बना था, पहले मैंने ईयर को वो किया था, मतलब मंथ को, मतलब उतना करने की जरूरत, मैंने टैक्स का फॉर्मूला यूज किया था। देखिए क्या है कि जो डेट हम डालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे डेट डाल दिया, मान लीजिए आज, आज कौन सा वीक है मुझे पता करना है, ठीक है ना, ये पता करना है। तो हमने क्या किया, इसमें डेट का फॉर्मूला आया, डेट में से हमने ईयर इसमें से निकाल लिया, ईयर, इसमें इफ, और यहाँ पे इफ का फॉर्मूला दिया है कि इफ अगर ए ग्रेटर देन ए है 25 है तो मंथ माइनस वन, अदरवाइज सेम मंथ है। और डे जो हमारा 25 फिक्स है ना,
ये देगा कि जो डेट डालेंगे इसके इसके लास्ट डेट कौन सा है। एक मिनट, ये 6 क्यों आया, 7 8 आना चाहिए इसको, प्लस वन करना था। हाँ नहीं, ये प्लस वन सर, ये तो सही है कि v, अच्छा v2 कर दिया हमारा, इसमें v2 को d लगाना होगा, यहाँ गलत हो गया, d सातवां आ गया ना। अब मुझे क्या करना है कि हमें इसमें से माइनस करने हैं इसको, ठीक है, चार बचे और फिर हम 30 माइनस 4 देन डिवाइड बाय 7, मतलब ये चौथा वीक चल रहा है, राउंड कर दीजिए इसको, इतना लंबा बना इसी भी इजीली जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन ध्यान उसके लिए सोचना पड़ेगा ना, बताया ना आपको, चौथा वीक है, यहाँ देखिए इसमें चौथे वीक में हमारा आ रहा है ना 21 तारीख, सही है सर। ये अपने रो की थोड़ी सी हाइट बढ़ा दीजिए, विथ बढ़ा दीजिए सर, रो की हाइट, एक्चुअली मेरे को शुरुआत से लग रहा है टेक्स्ट थोड़े से कट कट के आ रहे हैं, तो आप फुल स्क्रीन कर लीजिए, तो हाँ हाँ सही है। डेट एंड टाइम के बाद अगला फॉर्मूला हमारा आता है डिफरेंसेस का, ठीक है, ऐसे में वी लुकअप तक आज टाइम था पढ़ाने का, बट आधा घंटा लेट ज्वाइन किए बिजू जी, इस कारण से वी लुकअप का टॉपिक आज नहीं हो पाएगा। बिजू जी आपके कारण छूट गया टॉपिक। रेफरेंसेस क्या, अगली बार टाइम पे आ जाऊंगा सर। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला एडजस्ट का, जैसे मान लीजिए कि आपके पास रो एंड आपके पास कॉलम, रो एंड कॉलम नंबर में है, भाई पहला रो एंड पहला कॉलम, तो इसका एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस फॉर्मूला इसका एड्रेस निकाल के आपको देगा। अब इसके हमारे पास फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट का, जो कि इस एड्रेस का रिजल्ट देता है, क्योंकि एड्रेस ए वन जो दिया वो ए वन आपका टेक्स्ट है, एबीसीडी समझता है, अगर मान लीजिए मैं इक्वल टू सम करूं ए वन, तो आपका सम नहीं आएगा, क्योंकि ए वन इस ए वन को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो सम फॉर्मूला को समझाना होगा कि यहाँ पे जो ए वन डाला हुआ है वो कोई एबीसीडी नहीं, वो रेफरेंस ए वन है, तो ये समझाने का काम आपका इनडायरेक्ट करता है। इनडायरेक्ट समझ में आ गया? यस सर। कल ऐसे भी क्लास नहीं ले पाया था, हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लाइफ नहीं क्लास नहीं थी, अभी 11 बजे होगी, देना है तो ले लीजिए एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है, यूज होता है हमारा। उसके बाद हमारे पास चूज का फॉर्मूला दिया, जैसे कि मान लीजिए कि 1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ, 4 7 8, अब मुझे इसमें सैटरडे 1 आया मतलब मंडे, 2 आया मतलब ट्यूजडे, ऐसे करना है वीक डे में समझकर, तो इस पे इफ लगाएंगे तो इफ पर 7 कंडीशन मैंने पढ़ेंगे अलग अलग, क्योंकि थोड़ा सा लंबा चल जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला देंगे चूज का, तो चूज हमने इसको सेलेक्ट किया एंड कॉमा यहाँ दिया कि सैटरडे, नहीं हाँ यहाँ पे मंडे से होगा ना, कि मंडे कॉमा ट्यूजडे कॉमा सैटरडे कॉमा संडे कॉमा, सब तरीके यार मुझे संडे मंडे भी लिखने नहीं आ रहा है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे,
आज थोड़ा सा ध्यान लग रहा है ना कि और सर रात को नींद नहीं पूरी हुई क्या सर? अब ऐसे लग रहा है गर्मी बहुत है ना सर, लाइट नहीं आ रही सर। हाँ रात लाइट नहीं थी वो तो क्लास में एक दिन जनरेटर स्टार्ट कर रहा है। कोई प्रॉब्लम है सर? बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रीट में प्रॉब्लम है, मेरे एरिया में नहीं है बाकी सारे एरिया में है। तो चूज फॉर्मूला क्या होता है कि आपको नंबर देना होता है, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे हमने दिया वन नंबर तो ये मंडे देगा, हमने टू दिया तो ट्यूजडे कर देगा, अगर हमने थ्री दिया तो वेडनेसडे, अगर हमने फोर दिया तो थर्सडे, हम फाइव दिया, इस तरह से सीक्वेंस नंबर वो चलता था, समझ गए? सीक्वेंस में इसी तरह से चलता चला। तो चूज इसके लिए इस्तेमाल किया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है रो का, रो क्या करता है जिस सेल में लगाओगे उस सेल का रो नंबर देता है। जैसे सीरियल नंबर की लगा लिया ना तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि बीच में अगर मान लेते हैं कोई कॉलम डिलीट करते हैं तो मेरा सीरियल मिसमैच नहीं होगा, वो आपस कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर मैनुअल होता तो फिर 12 के बाद सीधे 18 आता, इसका इस्तेमाल कर सकते। या फिर रो के अंदर में अगर हमने किसी सेल को सेल का दे दिया वो बताएगा कि उसका रो नंबर क्या है। उसी तरह से हमारे पास कॉलन का फॉर्मूला होता है कि कॉलन अगर हम जिस कॉलन में लगाते हैं तो उस कॉलन का नंबर देता है कि कौन सा कॉलम नंबर है। अगर इसके अंदर हम ये देते हैं कॉलम्स के अंदर अगर कॉलम का कोई रेफरेंस देते हैं तो बताता है कि वो जिसका रेफरेंस दिया है वो कौन से कॉलम नंबर है। और ऐसे ही हमारे पास रोज की जगह पे रोज है, जितना रो हम सिलेक्ट करेंगे उसमें कितना रोज है। और उसी तरह से हमारे पास कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, कॉलम्स है, तो जितना कॉलम्स हम सिलेक्ट करेंगे उतने कॉलम्स बताएगा कि उतना कॉलम्स कितना कॉलम हमने सिलेक्ट किया है। इसका यूज वीलुकअप एचलुकअप में ज्यादा होता है। लैपटॉप चार्जर लो, ठीक है? एक हाइपरलिंक फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने लिख दिया google.com, तो एक तो एंटर मारते इस पे रेफरेंस चल जाता है, लग गया ना। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे लिख दिया गूगल, रेफरेंस नहीं आया, तो इस पे आप जो एक इंसर्ट के अंदर में हमारे पास हाइपरलिंक होता है उसको लगाओगे। लेकिन आपके पास अगर डेटा बहुत ज्यादा है तो उस केस में हम हाइपरलिंक का फॉर्मूला लगा लेते हैं। हाइपरलिंक लिंक लोकेशन हमने लिंक यहाँ पे दे दिया इनवर्टेड कॉमा में www. इसके साथ कंबाइन कर दिया गूगल, उसके साथ कंबाइन कर दिया .com और यहाँ पे गूगल। अब इस पे क्लिक करेंगे तो google.com। तो मेरे हिसाब से आज काफी ज्यादा हो गया, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम वी लुकअप से कंटिन्यू करेंगे और सारे फॉर्मूले खत्म कर देंगे, ठीक है? ओके सर। सर ये वाली फाइल सेंड कर देना सर। चलो मेगा ड्राइव का लिंक भेज दीजिएगा सर। ठीक है भेज देता हूँ, अभी मेगा ड्राइव पे ही काम चल रहा है यहाँ पे। सर क्लास कल भी होगी क्या? हाँ देखते हैं, अभी फिलहाल तो कल तक तो जिंदा है तो देख लेंगे। सर कितने बजे होगी बता दूंगा फोन। ओके।